बहुत से लोग ये कहते हैं कि 10 आज्ञाएं खत्म हो चुकी है। अरे भैया कैसे खत्म हो चुकी, ये 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने 2 हुक्म में बदल डाला। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के जो 7 भाग है उसमें से दूसरा भाग है 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 10 पद में। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रभु के दिन के विषय के 5वें भाग के बारे में। 5वें भाग के बारे में देखा था कि 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी हैं वो कैसी हैं और 10 आज्ञाओं का महत्व हमारे जीवन में कैसा है और कितना होना चाहिए, उसके महत्व के विषय में हमने सीखा था जो परमेश्वर ने अपनी उंगली से 10 आज्ञाओं को लिखा था। आज हम सीखेंगे प्रभु के दिन के 6वें भाग के बारे में। 6वें भाग का बारे में सीखेंगे, 2 आज्ञाएं परमेश्वर की व्यवस्था का आधार है। जी हाँ, देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने 2 हुक्म में बदल डाला। जी इसको बदल डालने का मतलब क्या है, आज इस बारे में सीखेंगे। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में बदल डाला। ये बदल डालने का मतलब क्या है, बदल डालने का मतलब सिर्फ 10 आज्ञाओं को छोड़कर सिर्फ 2 आज्ञाएं हो गई है। आज इस रहस्य को समझेंगे और जब इस रहस्य को समझेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि परमेश्वर की जो 10 आज्ञा है उनका महत्व है क्या। पहले हम ये देख लें कि 10 आज्ञाओं की स्थिति क्या है, परमेश्वर का वचन कहता क्या है। सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 10 पद को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। यहां लिखा हुआ है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। जी हम बात कर रहे हैं प्रभु के दिन। अब प्रभु के दिन के विषय में ये हम आज्ञाओं के विषय में सीख रहे हैं, 10 आज्ञाएं प्रभु के दिन के विषय में सीख रहे हैं। हम बहुत नजदीक जो है प्रभु के दिन के विषय में आ गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मैं प्रभु के दिन के बारे में ऐसे ही बता देता आपको तो मेरे ख्याल से बहुत सा कंफ्यूजन होता, बहुत सी बातें होती और बहुत से सवाल उठ खड़े होते जिसके जवाब आपको चाहिए होते हैं कि व्यवस्था, ये सब बातें व्यवस्था में है, व्यवस्था खत्म हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में बदल डाली, अब व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं। तो वो सब चीजें हम सीखते हुए आ रहे हैं और इससे जब हम सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सही में आज भी जो परमेश्वर की जो आज्ञा है वो आज भी वैसे ही की वैसे ही है और उसके अंदर जो प्रभु का दिन है वो वैसे ही बरकरार है। तो आइए हम पहले ये देख लें कि जो 10 आज्ञा है उनकी स्थिति परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कहां रखता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यिर्मयाह 31 अध्याय और उसका 33 पद है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वे यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की ये वाणी है। यहां पर यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ये कहना चाहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। देखिए एक ऐसी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था मन में समाने की बात नहीं, परमेश्वर अपनी व्यवस्था की बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि मैं उनके हृदय पर लिखूंगा, यानी वो हमारे हृदय पर लिखना चाहता है। आखिर हमारा हृदय है क्या, चलिए इसको और आगे देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 16 पद है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इब्रानियों 10 का 16, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। देखिए यहां पर यिर्मयाह वाली बात आ रही है। यहां पर जो है इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मैं उनके विवेक में, उनके मन में डालूंगा। जी हाँ, हमारे मन में डालेगा ताकि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो आज्ञा है वह हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में समाई रहे, निकलने ना पाए। क्यों परमेश्वर हमारे मन में, हमारे दिमाग में बसाना चाहता है, हमारे हृदय के ऊपर क्यों लिखना चाहता है, ताकि हम इसका हमेशा पालन करते रहें, हम इस परमेश्वर की आज्ञाओं में हमेशा बने रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन वैसे ही करते रहें जैसे परमेश्वर के लोग शुरू से करते आए हैं, इज़राइली करते आए हैं, उसके बाद प्रभु ने अपने
नए नियम में अपने सेवकों को चुना और बहुत से लोगों ने प्रभु को जब ग्रहण किया तो उन्होंने भी परमेश्वर की उन आज्ञाओं का पालन किया। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि हमारे हृदय में जो है परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो आज्ञा है वो समाई रहे। यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है दूसरा कुरंतियों 3 अध्याय उसका 3 पद, जरा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब स्पष्ट हो जाएगा कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, हृदय में समाना क्यों चाहता है, क्यों उसने हमारे हृदय में हमारे मन में समाना चाहता है, हमारे विवेक में क्यों लिखना चाहता है। दूसरा कुरंतियों 3:3, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। अब यहां पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो परमेश्वर, देखिए परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियों पर क्या लिखा था, उंगली से लिखे थे। अब यहां लिखा है कि स्याही से नहीं लिखी गई है बल्कि आत्मा से लिखी गई है। और जब हम यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय उसका 23-24 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा से वो पट्टियां भी लिखी गई थी। और परमेश्वर कहता है वही पट्टियां पे जो 10 आज्ञाएं लिखी गई थी, परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी आत्मा के द्वारा मनुष्य के हृदय रूपी पट्टियों पर लिखूंगा। जी हाँ, वह हमारे हृदय रूपी पट्टियों की बात आ रही है यहां पर कि वो पट्टियों पर लिखना चाहता है। पट्टियों पर क्या था, 10 हुक्म, और हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर क्या लिखना चाहता है, वही 10 हुक्म लिखना चाहता है। देखिए परमेश्वर कहां चाहता है, आज वाचा का संदूक कहां है, अगर हम वाचा के संदूक की बात करें कहां पर है, इज़राइल में है, किस जगह पर है, लोग अगर उसके बारे में खोज करेंगे तो वो उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग के अंदर तो वाचा का संदूक है। इसके पद को भी देखेंगे आगे जाकर कि स्वर्ग में वो वाचा का संदूक रखा हुआ है। जब आप प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि स्वर्ग खोला गया और स्वर्ग के अंदर पवित्र मंदिर खोला गया और पवित्र मंदिर में यूहन्ना जो है वाचा के संदूक को देख रहा है। जी हाँ, तो स्वर्ग में वो वाचा का संदूक तो है परंतु उसका जो नमूना इस पृथ्वी पर था, जो परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख कर दिया था, वो कहां पर है। और जब वो कहीं आपको नहीं मिलेगा तब परमेश्वर कहता है कि मैंने इसलिए तुम्हारे हृदय में लिखा है ताकि तुम उस वाचा के संदूक को इधर उधर ना ढूंढो, उन आज्ञाओं को इधर उधर ना ढूंढो, बल्कि अपने हृदय के अंदर ढूंढो, अपने मन के अंदर ढूंढो। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है। और फिर क्या कहता है, आने वाले समय में 10 आज्ञाओं का स्थान जो है, जैसा कि अभी हमने बताया, मैं एक बार फिर से उस रेफरेंस को पढ़ देना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 19 पद, तब परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। अब यहां पर जो है गर्जन और बड़े ओले और शब्द जो हो रहे हैं ये परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है। अब वाचा का संदूक कहां है, मंदिर में, कौन से मंदिर में, जो स्वर्ग में है। वो कौन सा स्वर्ग में जो मंदिर है, जी हाँ, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को 21 अध्याय उसके 1-2 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है फिर मैंने नए यरूशलम को परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, एक दुल्हन के समान जो श्रृंगार किए हुए थी उतरते हुए देखा, और उस नए यरूशलम में यानी नई पृथ्वी के ऊपर, नए यरूशलम में, नए आकाश के नीचे जो है परमेश्वर का जो वो मंदिर है वो स्थापित किया जाएगा और उस मंदिर में वो वाचा का संदूक है जिसका जो मेमना जो है अर्थात यीशु मसीह जो है जिसका दीपक होगा और वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, एक अद्भुत नजारा जो है वहां देखने को मिलेगा। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को स्पष्ट तरीके से मुझे और आपको समझाता है, यानी प्रकाशित वाक्य के अंदर जो 10 आज्ञाओं की स्थिति है वो नए नियम में जब हम इस बात को पढ़ते हैं, जब हम इस बात को देखते हैं खासतौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, तो हमें देखने को मिलता है कि जितने भी लोग हैं जो प्रभु में जी रहे हैं या जो प्रभु में मर गए हैं, जब वो उठाए जाएंगे और 1000 साल तक उनके साथ राज करेंगे, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो उस वाचा के संदूक के पास जो है खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और उन आज्ञाओं को वो वहां पर भी मानेंगे। परमेश्वर स्पष्ट तरीके से इस वचन को, नहीं तो ये आप मुझे बताइए, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा,
जब एक पद से लेकर 18 पद तक पढ़ेंगे बिल्कुल अलग बात दिखाई देती है, परंतु 19वां पद जैसे ही आता बिल्कुल अलग बात दिखाई देती है कि स्वर्ग खोला गया, उसमें परमेश्वर का मंदिर खोला गया, परमेश्वर के मंदिर में वाचा का संदूक जो है वो देख रहा है, फिर बिजलियां गर्जन और ये सारी चीज हो रही। एकदम से ये पद एकदम से बदल दिया गया, एकदम से ऐसा लगता है जैसे विषय एकदम से चेंज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता है कि उस वाचा के संदूक की अहमियत क्या है, और वो जो है नए आकाश के नीचे और नई पृथ्वी के ऊपर और नए यरूशलम में भी जो है वो मेरे और आपके पास जो है वो देखने को मिलेगा, और जिसकी हम लोग जो है आराधना और स्तुति परमेश्वर की उस वचन के अनुसार करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है। फिर यहाँ परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है, 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने, अब जैसे हम लोग कहते हैं ना 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने दो भागों में बदल दिया, यानी कहने का मतलब है बहुत से लोग ये कहते हैं कि 10 आज्ञाएं खत्म हो चुकी हैं। अरे भैया कैसे खत्म हो चुकी कि 10 आज्ञाओं को दो भागों में बदल दिया? यहां बदल देना नहीं लिखा है, देखिए क्या लिखा, परमेश्वर का वचन कहता क्या है, प्रभु के द्वारा जो दो आज्ञाओं का वर्णन है, जब आप मत्ती 22 अध्याय उसका 36 से 40 पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा मत्ती 22 अध्याय उसका 36 से 40 यहां लिखा है, हे गुरु, 36 पद पढ़ रहा हूं, हे गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? 37 पद, उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। 38 पद, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, देखिए बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है जो परमेश्वर के लिए कही गई है। फिर 39वें पद में कहता है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अब जरा 40 पद इसका ध्यान देना, यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दो आज्ञाएं कहते हैं ना, जो दो 10 हुक्म दो आज्ञाओं में बदल दिए गए, ये बदले नहीं है बल्कि ये आधार है। अब इसका आधार कैसे हम सीखेंगे? देखिए इसके आधार के बारे में जाने, आधार का मतलब क्या होता है कि उसका बेस है, है? उसने 10 आज्ञाओं का वेस जो है ये दो आज्ञा है, कैसे है जरा इसको देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या इन बातों के बारे में कहता है। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो पहली आज्ञा है वो क्या है, उसने उससे कहा तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, ठीक है। दूसरी आज्ञा क्या है, जब मत्ती 22 का 39 पद पढ़ेंगे, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख, ठीक है। अब यहां पर जो है दोनों, एक परमेश्वर से प्रेम रखने की बात है और दूसरा जो पड़ोसी के पड़ोसी से प्रेम रखने का मतलब है मनुष्यों से प्रेम रखना। अब यहां पर परमेश्वर से प्रेम रखने की बात है और दूसरी तरफ मनुष्यों से प्रेम रखने की बात है। अब इन दो आज्ञाओं को हम कैसे 10 आज्ञाओं में देख सकते हैं, या 10 आज्ञाएं इन दो आज्ञाओं में कैसे हम देख सकते हैं? सबसे पहली बात, या पहले हम 4 आज्ञाओं को लेंगे जो पहली पट्टी पर लिखी गई थी, परमेश्वर से के लिए जो लिखी गई थी पहली पट्टी पर, वो पहली पट्टी पर 4 आज्ञाएं लिखी गई थी जो परमेश्वर के लिए थी। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वहां लिखा ना कि प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि सारे प्राण के साथ प्रेम कर। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो 4 आज्ञाएं, पहली आज्ञा क्या है कि आप केवल एक ही परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप जब इसको पढ़ेंगे ना निर्गमन 20 अध्याय 1 से 11 पद तक, जी हाँ निर्गमन 20 अध्याय 1 से 11 पद में 4 आज्ञा है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप एक ही परमेश्वर की आराधना करेंगे, आप किसी और परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। आप एक ही परमेश्वर, जो एक ही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सारी सृष्टि की रचना करी, आप सिर्फ उसकी आराधना करेंगे, आप उसी पर भरोसा रखेंगे, आप उसी पर विश्वास रखेंगे, किसी और पर नहीं रखेंगे, किसी और को जो है परमेश्वर की महिमा किसी और को नहीं देंगे, परमेश्वर की महिमा पर, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो एक ही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सिर्फ उसकी आराधना करेंगे। दूसरा है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तू कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना आकाश की, ना पृथ्वी की, ना जल के अंदर की, कहीं की भी। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये मूर्ति चाहे यीशु मसीह की ही क्यों ना हो,
चाहे संतों की क्यों ना हो, ये यीशु मसीह की मूर्ति भी आप उसकी मूर्ति नहीं बना सकते हैं, या उसकी मूर्ति के आगे या उसकी फोटो के आगे आप अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं जला सकते या आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु 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 परमेश्वर ने बिल्कुल साफ मना करा है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम उसकी इस आज्ञा का पालन करेंगे कि हाँ प्रभु, हम तेरी कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे और हम किसी भी प्रकार की किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। तीसरा है यहाँ पर कि प्रभु का नाम जो है वो व्यर्थ ना लेना। जी हाँ, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब हम परमेश्वर से सारे मन से प्रेम करेंगे तो उसका नाम व्यर्थ नहीं लेंगे। क्यों व्यर्थ नहीं लेंगे? क्योंकि उसका नाम जो है बहुत आदर मान्य है। मैंने देखा है बहुत से लोग जो है शराब पीकर जो है परमेश्वर की बातें करते हैं। बहुत से लोग जो है ना दिन देखेंगे ना दोपहर देखेंगे, परमेश्वर की बातें करने लग जाते हैं, चाहे वो शराब पियो हो ना पियो हो। देखिए, हर समय परमेश्वर का नाम जो है बहुत आदर मान्य है और उसका नाम जो है हर वक्त नहीं लेना चाहिए कि आप कहीं पर भी बैठे हैं किसी भी समय आप परमेश्वर की बातें करना शुरू हो जाएंगे। नहीं, समय होता है उसके लिए और परमेश्वर का नाम जो है वो बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इसलिए वो कहता है कि प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे जीवन से प्रभु का नाम व्यर्थ में ना लिया जाए या गलत तरीके से ना लिया जाए। चौथा है, ये चौथी आज्ञा बड़ी लंबी है मगर मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि प्रभु का दिन पवित्र रखने के लिए स्मरण रखना। जी हाँ, प्रभु का दिन जो है पवित्र रखने के लिए स्मरण रखना। अब अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं अपने सारे मन से अपने सारे प्राण से, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो हम उसकी जो उसका दिन है उसको हम पवित्र रखेंगे। उसका दिन जो है हम उसके दिन में उसकी आराधना करने आएंगे। जो दिन उसने निर्धारित किया है, जो दिन उसने हमें दिया है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। ये चार आज्ञा पहली पट्टी पर लिखी गई थी और ये चार आज्ञा परमेश्वर के लिए समर्पित थी। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं सारे मन से, यहां बदलने का नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने बदल दी, ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने बदल दी, तो आप मुझे ये बताइए अपने सारे मन से अपने सारे प्राण से अपने सारे विवेक से कैसे प्रेम करेंगे? कैसे प्रेम करेंगे भाई? उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी तो आप प्रेम करेंगे। इसको आगे देखेंगे कि कैसे हम प्रेम करते हैं। फिर है, हम आ जाते हैं छह आज्ञाओं में, दूसरी पट्टियों पर जो छह आज्ञा लिखी गई थी वो मनुष्यों के लिए लिखी गई थी। जब निर्गमन 20 अध्याय 12 से 17 पद तक पढ़ेंगे, ठीक है, कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने का मतलब क्या है? यानी मनुष्यों से प्रेम करने की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने शत्रुओं से क्या करो, प्रेम करो। अब यहां पर जो है जब हम पांचवी आज्ञा को देखते हैं, अपने माता पिता का आदर करो। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, आप वहां पर पढ़ लीजिएगा पूरा पूरा लिखा, अपने माता पिता का आदर करो। अब भी माता पिता मनुष्य में आते हैं। हम अगर मनुष्यों से प्रेम करते हैं तो हम अपने माता पिता से भी प्रेम करते हैं क्योंकि वो भी मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं। अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं क्योंकि वो भी मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं कि हम जैसे बचाए जा गए हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो भी उद्धार पाए। तो हम जो है मनुष्यों से अपने समान प्रेम करेंगे, अपने भाई बहनों से, अपने शत्रुओं से भी जो है हम वैसे ही प्रेम करेंगे। तो यहां जो है परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरी पट्टी की बात हो रही है कि कैसे करना है। छठा है, आप किसी भी मनुष्य का खून नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप परमेश्वर का वचन कहता है अपने समान प्रेम करना, तो जब हम अपने समान प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा खून कोई कर दे, या हम चाहते हैं कि हमारे किसी प्रियजन का, भाई बहन बेटी का या बेटे का, किसी का खून हो जाए, नहीं, तो हमें ये करना चाहिए कि हम किसी का भी खून ना करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दो आज्ञा बदल दी तो अब हम खून भी कर सकते हैं, व्यभिचार भी कर सकते हैं, सब कुछ नहीं। तो यहां पर क्या है, जब हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं। फिर सातवां है, किसी भी स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करेंगे, पड़ोस की हो या मिलने जुलने वालों की हो, गलत निगाह नहीं डालेंगे, गलत काम उसके साथ नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे यदि हम मनुष्यों से प्रेम करेंगे। ये दूसरी पट्टी के अंदर जो छह आज्ञाएं लिखी हुई थी, ये उसकी बात है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तो कैसे करेंगे? वहां पर पहली पट्टी में परमेश्वर को के साथ प्रेम करना, सारे प्राण के साथ प्रेम करना, तो कैसे करेंगे वो एक्सप्लेन किया। अब यहां पर जो है अपने पड़ोसी को यानी मनुष्यों को अपने समान प्रेम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहां पर जो है ये सारी चीजें दी गई हैं। फिर है आठवां, आप किसी की चोरी नहीं करेंगे। देखिए, आप चाहते हैं आपकी कोई चोरी करे? जब आप ये चाहोगे कि यार मेरी मेरे घर की मेरी चोरी ना हो, है? तो
यहां पर परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। जब आप उसको अपने समान प्रेम करोगे तो आप यही चाहोगे कि मेरे पड़ोसी की या मेरे प्रियजनों की किसी की भी चोरी ना हो, कोई भी चीज चोरी ना हो, ठीक है, किसी कोई भी सामान उनका कोई चुरा ना सके। फिर है नवा है, आप किसी के विरोध में झूठी गवाही नहीं देंगे। आप चाहते हो कि आपके विरोध में कोई झूठी गवाही दे, अगर कोई आपको झूठी गवाही दे और फंसा दे कैसा लगेगा? तो परमेश्वर का वचन ये कहता ना कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, मनुष्य को अपने समान प्रेम करने का मतलब है कि आप उसकी झूठी गवाही नहीं देंगे। है? क्योंकि आपको पता है कि आप अपने समान प्रेम करने, अपने समान का मतलब है जैसे हमें अच्छा लगता है कि हमारे विरोध में कोई झूठी गवाही ना दे, ऐसी आपको यह अच्छा लगना चाहिए कि दूसरे मनुष्य के विरोध में भी ना आप दे ना कोई भी जो है झूठी गवाही देने वाला ना हो, परमेश्वर यह चाहता है। दसवां है, आप किसी भी चीज का लालच नहीं करें। देखिए लालच जो है एक मूर्ति पूजा के बराबर है, और परमेश्वर का वचन कहता है किसी का भी, पड़ोस की स्त्री का, उसके किसी भी चीज का, वस्तु का, किसी भी चीज का लालच ना करें। आप चाहते हो कोई कोई व्यक्ति हमारी चीज की लालच करे और हमसे छीन ले, है? नहीं चाहेंगे ये बात। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम मनुष्य को अपने समान प्रेम करें, दूसरे मनुष्य को अपने समान, जैसे हम अपनी चीज हमारी चीज कोई ना छीन ले, हमारी चीज का कोई लालच करके कोई लेकर ना भाग जाए या हमारा कोई खून ना करे। तो ये जो चीजें हैं परमेश्वर ने जो है ये 10 आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने जो दी है उसका सेंस है। वो क्या समझाना चाहता है? वो ये समझाना चाहता है यदि आप परमेश्वर को अपने समान प्रेम करोगे तो आप इस तरीके से उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, और मनुष्य को जब अपने समान प्रेम करोगे तो आप इस तरीके से मनुष्यों से प्रेम करोगे, अपने सारे मन अपने सारे प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम करना। देखिए फिर क्या कहता है आज्ञाओं के बारे में, हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला योहन्ना की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसका 3 पद है, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। देखिए परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, एक आज्ञा मानने की बात नहीं है यहां पर, वहां पर सार दिया गया है, वहां पर यह क्या है 4 आज्ञाओं का जो है सार दे दिया है या 10 आज्ञाओं का जो है सारांश दे दिया है, और मतलब छोटी सी बात में उन्होंने ये बहुत बड़ी बात जो है वो कह दी है कि जब हम किसी चीज को व्याख्या लिखते हैं, जब हम कोई निबंध लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं सारांश, यानी पूरे निबंध का पूरी कहानी का जो है उसका सारांश लिख देते हैं, निष्कर्ष लिख देते हैं। तो ये जो 2 आज्ञाएं यीशु मसीह ने दी है ये 10 आज्ञाओं का सारांश है, ये संक्षिप्त वर्णन जो है वो दिया गया है, 10 आज्ञाओं को बदला नहीं गया या खत्म नहीं किया गया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसकी, यहां पर लिखा आज्ञा नहीं लिखा, आज्ञाओं को मानता है और उसकी आज्ञाएं कोई भी कठिन नहीं है। योहन्ना 14 और उसके 15वें पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। देखिए अब यहां यीशु मसीह क्या कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यानी जो आज्ञाएं हमें मिली हैं वो खत्म नहीं हुई है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा पहला योहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहला योहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 3 और 4, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। और 4 पद में कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। देखिए यदि हम परमेश्वर की को जानते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और यदि हम ये कहें कि हम परमेश्वर को जानते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो बिल्कुल परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि वो क्या है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई सत्य नहीं है, वरन वो झूठा है, झूठा है। और योना 8:44 में क्या लिखा है कि झूठों का पिता कौन है, वो शैतान है। जी हाँ, फिर वो झूठों का पिता कौन है, वो शैतान, यानी हमारा पिता परमेश्वर ना होकर वो शैतान हो जाता है, हम इस तरीके से शैतान को अपना पिता कह लेते हैं। देखिए किसी भी चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, परमेश्वर का वचन जो है हम कुछ भी बोलकर ऐसे ही खत्म नहीं कर देते हैं, या बस हमने कह दिया अरे वो तो प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। कैसे बदल दिया? वहां बदलना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां प्रेम की बात की गई है, और ये प्रेम जो है परमेश्वर के प्रति जो है वो 4 आज्ञाओं को आप उसको सम्मान देंगे, और जो मनुष्यों के प्रति है वो 6 आज्ञाओं को सम्मान देंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे हृदय पर, और वो कहता है स्याही से नहीं लिखी, आत्मा से लिखी गई,
क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसने बीते हुए समय में जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी तो वही आत्मा अर्थात परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख कर दी थी। और परमेश्वर अपनी उसी आत्मा के द्वारा, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर अपने यही 10 आज्ञाओं को लिखना चाहता है, हमारे दिमाग में डालना चाहता है, ताकि हमारे दिल दिमाग में बसी रहे और हम इसका पालन करते रहे। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस चीज को समझें, क्योंकि ये जो दो आज्ञाएं हैं, ये 40 पद में कहता ना, मती 22 के 40 में पढ़ा है कि ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था का और भविष्यवक्ताओं का आधार है, वेस है, खत्म नहीं हुई है। आधार और वेस को समझने की कोशिश करें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।